नमस्कार। रविवार के दिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान भी किया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि वे लोग जो कि लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वोट नहीं डालने दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि करीब 450 लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं और ये दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी की साजिश है। और एमसीडी चुनाव के लिए मतदान करने आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लोगों ने घेर भी लिया और उनसे वोट कटने की बात भी बताई है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कई लोगों के वोट से नाम कटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पोलिंग बूथों के बाहर मौजूद बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल।